मिनी कूपर कंट्री मैन डी 2013 अक्टूबर मंथ रजिस्टर्ड दिल्ली रजिस्ट्रेशन ओनर सेकंड ड्रिवन 59,000 किलोमीटर्स। मैं हमेशा कहता हूँ सर अगर सर्विस हिस्ट्री जाननी है तो वो पेड बेसिस पे मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ किसी भी गाड़ी की, इस गाड़ी की भी, लेकिन वीडियो बनाने से पहले मैं सर्विस हिस्ट्री लेकर आऊँ सर वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है तो सर्विस हिस्ट्री जरूर जाने सर, आपका हक बनता है जानना। सो 2013 अक्टूबर मंथ है, ओनर सेकंड 59,000 किलोमीटर्स है, इंश्योरेंस आई थिंक अक्टूबर तक का इसका वैलिड होना चाहिए। डीजल इंजन है, डीजल पे 19.3 की एवरेज सर्टिफाई करती थी एयर है इसका जब ये आई थी गाड़ी 2012 से लेकर 2015 तक काफ़ी धूम मचाई थी गाड़ी ने क्योंकि डीजल में निकाली थी मिनी कूपर और इंडिया में उस टाइम पे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सिर्फ डीजल की डिमांड थी तो मिनी कूपर को डीजल भी यहाँ पे लानी पड़ गई। अदरवाइज मिनी कूपर इज नोन फॉर पेट्रोल इंजन, बेसिकली कन्वर्टेबल्स आती हैं इनकी और पेट्रोल में ज़्यादा इनका जो मतलब चलाने का मजा आता है वो पेट्रोल में ज़्यादा अब्रॉड में बिकती हैं गाड़ियाँ, बट इंडिया के चलते डीजल लानी पड़ी। अब डीजल आ गई है सर तो एनजीटी के चलते दिल्ली एनसीआर में बैन हो गई है और लोग पेट्रोल इंजन ढूंढ रहे हैं गाड़ियाँ, लेकिन अदर स्टेट्स में अभी भी सर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप 6 साल गाड़ी को और चला सकते हैं, 6 साल नहीं तो 5 साल और 4-5 महीने और चला सकते हैं। अक्टूबर 2080 तक आप चला सकते हैं इसको, 23 चल रहा है, दिल्ली एनसीआर में नहीं चलेगी, बाहर चलेगी लेकिन ये गाड़ी। और टाइम रहते जो है सेलर ने अपनी गाड़ी बेच दी है, ये समझदारी का काम किया है ताकि एनओसी निकल जाए और ढंग से एक बायर मिल जाए। हाउएवर ये इन्वेस्टेड कार है, 11,50,000 रुपीज़ में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी। सर इसकी डिटेल और अनवाइज वीडियो दिखाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को प्लीज़ स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मोटो फाइंडर को। वसीम खान 1107 मेरा इंस्टा पे पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और यूज कार बाइंग सेलिंग से रिलेटेड मैंने एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है सर, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो कोई भी वो कोर्स कर सकता है। एज अ फ्रीलांसर आप काम करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो वो कोर्स, 499 रुपीज़ में वो कोर्स बाय करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। स्टार्ट करते हैं फ्रंट में, स्टार्ट करते हैं सर फ्रंट की, यहाँ की जो ग्रिल है हमारी ये थोड़ी सी फेड अवे हो रहा है, ये जो ग्रे शेड है ये थोड़ा सा फेड अवे हो रहा है, ये हाउएवर एक बार ही को रीपेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी की अच्छी बात यह है कि मुझे गाड़ी पूरी की पूरी जो है ओरिजिनल पेंट की मिली है, यहाँ पे जो टेपिंग आई थी ये पूरी तरीके से फेड अवे हो गई है, ये टेपिंग हट के नीचे ब्लू कलर मिल जाएगा हमें, कैबिन साइड ब्लू कलर है बेसिकली ये, नीचे हमें इसका ब्लू कलर भी मिल जाएगा और बोनट को रबिंग बफिंग करके चमक भी आ सकती है गाड़ी के अंदर। तो जो जो चीज़ें हैं फ्लॉ है मैं वो भी आपको बताते हुए चलूँगा। सामने इसकी हमें राउंड शेप की हेडलाइट्स मिल जाएंगी जो कि इनकी सिग्नेचर हेडलाइट्स आती हैं और सामने एक मस्कुलर लुक मिल रहा है गाड़ी छोटी होने के बावजूद, आगे से लुक जो है वो काफ़ी बोल्ड दिया है। अब साइड प्रोफाइल पर आ जाते हैं इसकी तो यहाँ पे मुझे एक हल्का सा सूखा डेंट मिला है देखने के लिए, ये एक सूखा डेंट है गाड़ी के ऊपर। और यहाँ पे जो है ये भी देखो रीपेंट कराओगे तो गाड़ी में एक मज़ा आ जाएगा, और ये एक इंडिकेटर लगाना है। मिनी कूपर के पार्ट्स जो है वो भी मैं आपको अवेलेबल करा के दे सकता हूँ, ये जो है एक केमिकल लगा के क्लीन अप हो जाएगा तो इसके अंदर शाइनिंग आ जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलॉयस की जो हालत है, अलॉयस की हालत भी ठीक है कोई, ये वाला जो है ये ब्रोक हो रखा है, यहाँ पे गहरा स्क्रैच है और ये कवर अप नहीं हो सकता, बाकी जितना है क्लीनलीनेस वो सब कवर हो सकती है। डिस्क साफ है, सस्पेंशन साफ दिख रहे हैं गाड़ी के। अब हम इधर आ जाते हैं तो वाइट कलर के ये साइड से सर लगे हैं तो इसको भी पेंट कराने की ज़रूरत है। ये वाला डोर बिल्कुल साफ साफ बचता है, इसको नहीं कराना है, हमें छोटे छोटे पीसेस के पेंट कराने हैं जिससे गाड़ी में एक चमक आ जाए। यहाँ पे एक हमें हल्का सा हेयरलाइन स्क्रैच देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे एक हल्का सा स्क्रैच है और जो इसकी बॉडी क्लैडिंग है वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, क्रोम फिनिश जो है वो भी इसका अच्छी कंडीशन में। एक बार इंटीरियर पीस के देख लेते हैं, रियर सीट यहाँ से तो ये रिंकल्स लेदर में आ ही जाते हैं सर, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। रूफ इसके इंटैक्ट है, रूफ लाइनिंग लूज नहीं है, क्लीनिंग मांग रही है, यहाँ पे भी आपको इसकी सीट बेल्ट मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पे क्रोम फिनिश मिल रहा है सर, यहाँ पे क्रोम फिनिश है। और जो मिनी कूपर का जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मिनी कूपर में बैठने में चलाने में वो इसके फ्रंट साइड से आता है ऑफकोर्स, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा हमें डिजिटल मीटर मिलता है जिसके अंदर काफ़ी कलर्स की जो है लाइटनिंग होती है और काफ़ी सारे बटन्स हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा यूनिकनेस आती है गाड़ी में और इसीलिए गाड़ी का जो है वो प्राइस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। सीट्स जो है इसकी ये वाली देखिए थोड़ी सी टॉन है, ये चीज़ जो है ये पेंट भी हो सकती है और ये पीसेस बन भी सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें पेंट भी करवा सकते हैं और अदरवाइज आप वो पीसेस भी बनवा सकते हैं। यहाँ से जो डोर हैंडल है वो सब कुछ नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, ऑल ओरिजिनल पेंट की गाड़ी है तो सर एक्सटेंडेड होने का इसका मतलब ही नहीं बनता, ये फंक्शनल नहीं है। रूफ रेल्स जो है ये एस्थेटिक लुक्स के लिए है, ये गाड़ी के लुक्स एनहांस करते हैं। फिर पीछे हम आ जाते हैं, पीछे हमें यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलेगा एंड आई शेप टेल लाइट्स मिलेंगी जो कि इंटैक्ट है, कहीं से ब्रोकन नहीं है। यहाँ ये मिनी का लोगो प्रेस करके इसकी बूट ओपन होती है और यहाँ पे इसकी बूट ओपन करके देखते हैं तो बूट भी इसकी अच्छी कंडीशन में है, बैग रखा हुआ है किसी का इसके अंदर, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं सर।
यहाँ पे हमें डिफॉगर्स मिल रहे हैं, रियर वाइपर मिल रहा है, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल रहा है, पीछे भी टेपिंग है जो कि अच्छी कंडीशन में, बल्कि ये टेपिंग आप चाहें तो ये भी आप रिमूव करवा सकते हैं या और नई फ्रेश टेपिंग लगवा सकते हैं अगर आप चाहें। बम्पर पे यहाँ पे स्क्रैच है और ये जो टो करने का होता है ये यहाँ से ब्रोकन है, और ये क्रोम फिनिश, ये सर बहुत मिनी कूपर्स में प्रॉब्लम मिलती है, ये हमेशा ये ना मुझे ब्रोकन ही मिलती है, तो ये एक चीज़ है, इसका कुछ ना कुछ किया जा सकता है अगर आप करवाना चाहते हैं तो। उसके बाद हम मतलब गाड़ी के अंदर कोई ऐसे देखिए जो टाइम फैक्टर के हिसाब से वेरिएंट ईयर है सर वो है, और मेरे अंदर प्रॉब्लम ये है कि मैं वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, लोग दिखाते नहीं है, छुपाते हैं, बट जब आप आओगे गाड़ी देखने तब तो आप देखोगे ही। यहाँ पे हल्के हल्के से स्क्रैचेस लग रहे हैं और ये वाला जो डोर है ये भी हमारा साफ साफ बच रहा है, तो बॉडी लाइन से हमें पेंट कराने की जरूरत नहीं है, टायर्स हमें इसमें रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं है, बॉडी ग्लाइडिंग पे हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है, रूफ पे हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पीसेज हैं, जैसे ये हमें कराना है ये हम पेंट करा सकते हैं, वहाँ का इंडिकेटर एक ऑर्डर कर सकते हैं, ये टेपिंग रिमूव करवा सकते हैं, तो ये छोटा छोटा सा हम काम करवा के गाड़ी के लुक्स जो है वो काफ़ी इन्हांस कर सकते हैं। इंटीरियर्स आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर गाड़ी पे सेल्फ मार के इंजन की साउंड सुनाऊंगा, फिर एक टेस्ट ड्राइव पे चलेंगे। तो यहाँ पे क्रोम फिनिश है, यहाँ पे क्रोम मिल रहा है हमें, ये सब कुछ इंटैक्ट मिल रहा है। ये जो है यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, चढ़ते उतरते ये अक्सर पार्ट चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ये एक चीज़ है, उसके अलावा सब कुछ इंटैक्ट लग रहा है हमें। सो दिस इज़ ऑल गुड शो। अब मैं इसका हुड खोल के आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। 2000 cc का वैसे इसके अंदर डीजल इंजन आता है, 112 bhp जनरेट करती है गाड़ी। पहले मुझे लगता था कि 320d का इंजन है इसके अंदर, लेकिन 320d का इंजन नहीं है इसके अंदर, 6 gear tronic है, डीजल इंजन है, 19.8 या 19.5 की एवरेज एयर है इसकी सर्टिफाई करती थी। 30 lakh rupees की गाड़ी डिस्कंटिन्यू हुई थी जब लास्ट डिस्कंटिन्यू हुई थी। मिनी कूपर का आप हुड खोल के देखते हैं कि मिनी कूपर का हुड कैसा होता है अंदर से देखें, तो हमें यहाँ पे हाइड्रोस्टेट्स मिलते हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में है। ये जो हमारा बोल्ट है ये इंटैक्ट है, इससे हमें पता चल रहा है कि गाड़ी कभी खुली नहीं है, और सामने एक सफाई मांग रही है गाड़ी और कुछ नहीं मांग रही है। अब मैं इंजन की साउंड आपको सुनाता हूँ, आगे सब कुछ इंटैक्ट है सर, जैसे कहा नॉन एक्सीडेंटल है, नॉन रीपेंटेड है, तो वो चीज़ कन्फर्म है। तो चलते हैं मिनी कूपर की टेस्ट ड्राइव पे फ्रेंड्स। और मिनी कूपर की टेस्ट ड्राइव पे जाने से पहले जब हमने गाड़ी का सेल्फ मारा है तो एक हल्की सी हमें इसके अंदर इंजन के अंदर एक साउंड सुनाई दी है, और वो जो है मैं आपको बताऊं, कई बार ही मुझे मिनी कूपर की ना काफ़ी सारी गाड़ियों में मिलती है देखने के लिए, तो एक बार फिर से सेल्फ मारते हैं, इंजन माउंटिंग भी चेक हो जाएंगी। इंजन माउंटिंग तो ठीक है, गाड़ी की वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन एक हल्की सी किसी चीज़ की फ़ैन बेल्ट की आवाज़ है, कुछ ना कुछ एक बेल्ट की आवाज़ है जो कि रिप्लेसमेंट मांग रही है। और डी मोड में हमने डाल दी है, 6 gear tronic है, आप इसको मैन्युअली भी यहाँ से चला सकते हैं अगर आप चाहें तो, और पैडल शिफ्ट से आप इसको भी चला सकते हैं, और आप इसको ऑटोमेटिक मोड में भी डाल के चला सकते हैं। मिनी कूपर को चलाने का ना एक अलग टोर है, मतलब मिनी कूपर से लेकर अपने आप को सड़क पे लेकर निकलना एक अलग टोर है, मतलब शान की बात है मिनी कूपर लेकर निकलना। सनरूफ नहीं है गाड़ी के अंदर, दैट्स ओके, और ब्लू विद बेज इंटीरियर्स मिल रहे हैं, डीजल इंजन है, एवरेज भी अच्छा है, थोड़ी सी साउंड मुझे लग रही है कि इसमें कुछ कराने की ज़रूरत है, हल्का सा फैन बेल्ट या कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बाकी कोई खास काम ऐसे नहीं नज़र आ रहा है मुझे। 11,50,000 rupees आस्किंग प्राइस है, जैसी गाड़ी ली है उन्होंने, जैसा इन्वेस्ट करा है इमीडिएटली वैसी सेल करके बाहर होना चाहते हैं। और अगर आप लोग भी इस काम में इंटरेस्ट रखते हैं कि जैसे गाड़ी ली है वैसी गाड़ी बेच दें और हम बाहर हो जाएँ और मतलब थोड़ा इन्वेस्ट करके कुछ मनी अर्न कर लें, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स कर सकते हैं सर, मैंने कोर्स का लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अब वो कोर्स करें, 499 rupees में वो कोर्स मैं करा रहा हूँ सर, मतलब मैं सिर्फ उन्हीं को कराना चाहता हूँ जो करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उसकी फ़ीस इतनी कम रखी है, अदरवाइज मैं उसकी फ़ीस 3,000, 5,000, 10,000 भी रख सकता था, लेकिन 499 rupees रखी है क्योंकि मैं सिर्फ उसी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो वो चीज़ एक्चुअली करना चाहता है। और गाड़ी चला रहे हैं, AC अच्छी कंडीशन में है, चारों पावर विंडोज जो है वो देख लेते हैं, वो हल्का सा इस पे चूं की आवाज आई है, बाकी ठीक है चल रहा है बराबर, इस पे भी हल्की सी चूं की आवाज आई है मुझे, बाकी वर्किंग कंडीशन में एक हल्की सी सर्विसिंग कराने की जरूरत है चीजों की। उसके बाद हम सर यहाँ पे हमें एक हैंड ब्रेक की लाइट दिख रही है जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसका ब्रेक शू चेंज कराने की जरूरत है। दूसरी हमें इसके अंदर एक बल्ब की लाइट आई थी तो इसका एक हेडलाइट बल्ब चेंज कराने की ज़रूरत है, ये दो चीज़ें कराने की ज़रूरत है हमें, बाकी मीटर इसका वर्किंग कंडीशन में है और हम इसकी लाइट्स वाइट्स ऑन करके
अभी रात में चलाते तो इसको और मजा आता, काफी तरह की लाइटें इसके अंदर चलती। यहाँ पे जो है इन्होंने डायमंड से कुछ बनवा रखा है, शौकीन आदमी की गाड़ी है। यहाँ पे भी डायमंड से जो है इंटीरियर्स कुछ करवा रखे हैं, डायमंड से नॉट आई मीन डायमंड से डायमंड जैसी शो कर रखी है, नॉट एग्जैक्टली डायमंड्स। और यहाँ से हम इसके मिरर्स एडजस्ट करके देख लेते हैं, हो रहे हैं, ये वाला वर्किंग कंडीशन में है, वो भी वर्किंग कंडीशन में है, एसी सही काम कर रहा है। म्यूजिक सिस्टम एक बार सुन के देख लें, यस म्यूजिक सिस्टम वर्किंग कंडीशन में है, इसमें ऑक्स वगैरह हमें मिल जाएगी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है हमें इसके अंदर। और हम यहाँ से फैन स्पीड सेट कर सकते हैं, लॉक एंड लॉक के बटन्स, यहाँ के जो बटन्स होते हैं वो नहीं है इसमें क्योंकि इसमें सनरूफ नहीं है। वो बेसिकली बटन्स जो होते हैं फ्रेंड्स, एक सनरूफ का होता है, चार बटन जो होते हैं वो लाइट्स के होते हैं और कुछ नहीं होता उनके अंदर। तो इसमें लाइट का एक बटन हमें मिलता है। और गाड़ी को चला रहे हैं तो गाड़ी को ऑनेस्टली जैसे खुल के भागना चाहिए वैसे नहीं भागती है मिनी कूपर। मैंने इससे पहले रेड कलर की गाड़ी भी खुद ली थी और कुछ दिन चलाकर बेची थी, तो मिनी कूपर के अंदर ये चीज़ होती है क्योंकि 112 bhp की गाड़ी होती है मिनी कूपर। मिनी कूपर इज़ नॉट 170 या 184 bhp जो एकदम से भागे। सो मिनी कूपर की राइड जो होती है थोड़ी सी एक डिफरेंट होती है, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद BMW 320d जैसे मैंने आपको बताया था, या 118 से कंपेयर नहीं होती। और जैसे यहाँ मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो गाड़ी जो है मतलब भागने में थोड़ा सा टाइम लेती है, ये 112 bhp का ये एक मुझे फ्लॉ लगता है। बाकी क्या कहते हैं, देखिए अगर आपको नहीं भगानी गाड़ी, आपको आराम से चलानी है गाड़ी और तरीके से चलानी है गाड़ी सर, तो आपको लेकर घूमना है मिनी कूपर तो फिर अच्छी चीज़ है। यहाँ गड्ढा आता है सर, हमेशा आपको बताता हूँ गड्ढा आया, सस्पेंशन जो है वो मुझे ठीक लगे हैं इसके। और बाकी सर जिस हिसाब से इसके पैसे हैं उस हिसाब से गाड़ी है, 11,50,000 रुपीज़ में आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं सर तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसकी बुकिंग अमाउंट भी आप भेज सकते हैं। आप आकर गाड़ी देखें सर, उसके बाद अगर नहीं पसंद आती तो बुकिंग अमाउंट आप अपना रिफंडेबल ले सकते हैं 100% इमीडिएटली। और ट्रांसपोर्टेशन 25,000 रुपीज़ में अवेलेबल है पैन इंडिया बेसिस पे, NOC 4,500 रुपीज़ में निकल जाएगी। उसके बाद री रजिस्ट्रेशन आपको खुद कराना है अपने स्टेट में, अपने आप अपने एफर्ट्स लगा के अपने पैसे खर्च करके सर, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिनेंस होना मुश्किल है क्योंकि 2013 अक्टूबर है, 2015 के आसपास की गाड़ियाँ जो फिनेंस होने लगती हैं। और किसी भी गाड़ी की आपको सर्विस हिस्ट्री चाहिए तो उसके लिए आप जरूर कांटेक्ट करें मुझसे, वो कोर्स जरूर करें सर। ये दो चीज़ें जरूर करें गाड़ी लेने से पहले, कोर्स बाय करें और एक सर्विस हिस्ट्री उसकी ऑब्टेन करें, ये मस्ट है। आप कभी भी कोई गाड़ी खरीदें तो ये काम जरूर करें। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें सर, मोटिवेशन मिलती है उससे प्लीज़। और इंस्टा को भी फॉलो करें वसीम खान 1107 को। और डायरेक्ट कस्टमर कार्स के ऊपर मेरा फोकस रहता है सर, अगर आप मुझे कोई डायरेक्ट कस्टमर कार रिकमेंड कर सकते हैं वीडियो बनाने के लिए किसी को मेरा नाम, तो बहुत अच्छा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। और इसके ऊपर मैं कुछ इंसेंटिव्स भी निकाल सकता हूँ अगर कोई मुझे रिकमेंड करे तो, अगर उसके रिकमेंडेशन से आए या मेरे पास में वो नंबर शेयर करें तो मैं कुछ इंसेंटिव स्कीम भी निकाल सकता हूँ। क्योंकि मेरा एम है कि मैं डायरेक्ट कस्टमर कार्स करूँ, इन बिटवीन मुझे इन्वेस्टमेंट कार्स भी करनी पड़ती हैं सर, क्योंकि ये जो प्री ओन्ड कार इंडस्ट्री है ये 80-85% जो है ये डीलर्स ने ऑक्यूपाई कर रखी है। हार्डली 10% और 5% ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो अपनी गाड़ी बेचने के लिए मेहनत करते हैं। तो उन लोगों को जगाना है, उन लोगों को बताना है कि सर क्यों बेचनी है अपनी गाड़ी सस्ते में, आप अपनी गाड़ी एंड कस्टमर को बेचो। सो ये मेरी एक कोशिश है फ्रेंड्स, और इस कोशिश को आप भी आगे बढ़ा सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो कोर्स बाय करें ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले कि हम क्या काम कर सकते हैं साथ में। अब वो मैं शुरू से नहीं बता सकता सर सबको। So thank you friends, thank you for watching me, have a good day.